कैसा होता है उस व्यक्ति का जीवन या व्यक्तित्व जिनका जन्म भी हुआ है एक तारीख को और भाग्यांक भी है एक, यानी दे बोर्न ऑन डे नंबर वन एंड द डेस्टिनी इज वन। ये न्यू सीरीज में आपके साथ शुरू कर रही हूं। ये वो नंबर्स अगर जिनका डे वन है और लाइफ पैथ वन, या डे टू एंड लाइफ पैथ टू, कुछ अनूठे होते हैं। पर आज है अंक एक की बारी, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करम चंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूं आप ही की रिक्वेस्ट पर, भाग्यांक और बेसिक नंबर अगर सेम हो किसी का, मूलांक और भाग्यांक सेम हो तो कैसे होते हैं। इसे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते ये जो एपिसोड रिलीज करती हूं हिंदी और इंग्लिश में आप तक पहुंच सके। यूं तो आपने मेरे काफी एपिसोड्स देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो मुझे बताएं कि क्यों नहीं देखे, जल्दी से देखें और शेयर भी करें। पर आज है एक। न्यूमरोलॉजी में अंक एक को सन या सूर्य से उनकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन। तो सूर्य कैसा है? जिसमें तेज है, जिसमें ओज है, एक अनूठा है, एक ऊर्जा है, पूरी सृष्टि में एनर्जी देता है। आप नोटिस करेंगे अगर कोई आपके आसपास अंक एक वाला है, उसमें ये सारी चीजें हैं। अब मूलांक एक कौन है? वो जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की एक तारीख को, 10 तारीख को, 19 से 28 को, हो गया मूलांक, डे नंबर और बेसिक नंबर वन। और अगर उनकी पूरी की पूरी जन्म तिथि या जन्म डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को जोड़ने से भी अंत में एक आता है, यानी अगर 19 आ गया जोड़ दें तो आ गया एक, 28 है, 2 और 8 जोड़ दिया 10, तो न्यूमरोलॉजी में डबल डिजिट या 2 अंक आते हैं उनको फिर घटाएं, जब तक घटाएं जब तक 1 अंक नहीं आए। ऐसे ही अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से 1 आया तो वो हो जाएगा भाग्यांक 1। इस सीरीज में आपके साथ बात कर रही हूं वो लोग जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है। पहली चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव भी बताऊंगी इस एपिसोड में और नेगेटिव भी, क्योंकि आपकी शिकायत थी कि मैं सिर्फ अच्छी बातें बताती हूं, नेगेटिव बातें नहीं बताती। वेल, मैं तो समाधान बताती हूं। कोशिश तो यही है कि वो डॉक्टर न बनूं जिसके पास कोई मरीज आए तो उसको देखकर कहें कि भाई तेरा स्टेज 3 क्या इश्यू है, बल्कि ये कोशिश करूं बताने की कि कुंडली में तुझे ये लिखा है, ये थोड़ा सा उपाय कर ले। पीड़ा के बारे में बताने से पीड़ा दूर नहीं होती, पीड़ा को छुपाया नहीं जाता, लेकिन पीड़ा का अगर उपाय बता दिया जाए तो शायद एक कोशिश रहती है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में। तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वालों में आप देखेंगे ये व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, मेहनती होता है। समाज में उसे अपने नाम और शोहरत और इज्जत से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। धन बहुत कमाता है, स्ट्रगल भी उसके जीवन में बहुत होता है, लेकिन मेहनत से कमाता है और खर्चा भी खुले हाथ से करता है। इनको जीवन में पावर बहुत प्रिय होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, किसी पर भी अपनी जरूरत के लिए भी डिपेंड नहीं करना चाहते। और जो मेहनती होते हैं तो अगर 60 या 70 साल के भी हुए तो भागेंगे अपना काम खुद करने, बैठना यूं ही उन्हें पसंद नहीं, और यूं कहूं तो समय जाया करना तो बिल्कुल पसंद नहीं, एम्बिशियस होते ही हैं। फर्क ये है मूलांक और भाग्यांक 1 वालों में ये कुछ एडिशनल लक आ जाता है, जैसे मार्क ज़करबर्ग का है मूलांक भी 5 और भाग्यांक भी 5। तो आप नोटिस करेंगे कि वो जिनका सेम अंक आ जाता है, मूलांक और भाग्यांक कुछ अनूठे होते हैं, आप दूर से या भीड़ में भी उनको महसूस कर पाएंगे और आपको पता चल ही जाएगा। इनको नाम शोहरत भी मिलती है, कुछ लोगों को आसानी से मिलती है, कुछ को मेहनत से मिलती है, पर जीवन में बड़ी जल्दी ही इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद होता है और इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो मुश्किल आई तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज मान लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े होते हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। अब अगर कुछ लोगों का मूलांक और भाग्यांक 1 है, वो साधारण सा जीवन जी रहे हैं, कुछ खास नहीं किया, आप देखेंगे उनमें अकड़ बहुत होगी, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होगा, अपने मन मुताबिक जीना पसंद होगा, और वो जिस स्थिति में भी हैं उस स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज करना जानते हैं। यूं तो लीडर होते हैं, निर्भय भी तो होते ही हैं। अब इन्हें कामयाबी मिलती है, कहूंगी कि गवर्नमेंट सरकार से जुड़े हुए कामों में, उससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे बन सकते हैं ये, तो IAS PCS में भी हाई रैंक पे जाते हैं, किसी कंपनी में भी ओहदे पर होते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। अपने व्यवसाय में चाहे वो छोटी सी दुकान हो या बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री लगाई हो,
अपने पहचान जाएंगे। पावर एंड रिस्पेक्ट, ये इनका कीवर्ड है। अब अगर बात करूं कि थोड़ी सी आदत खराब किन चीजों में होती है, दूसरे को अपने जैसा नहीं मानते, सेल्फिश नहीं होते। अगर डे वन एंड डेस्टिनी वन, मूलांक भाग्यांक एक वाले हों, औरों की मदद करना स्वाभाविक तौर पे इनका ये स्वभाव बन जाता है कि औरों को कैसे आगे ले जाएं, क्या और करना चाहिए। शुरू में हां, अपने लिए पहले फिर दूसरों को करेंगे हेल्प, पर करते हैं। इनमें थोड़ी सी जिद होती है, सिर्फ मैं आगे कैसे बढ़ूं। फिर जीवन उनको ये सिखा देता है कि सबको साथ में कैसे आगे लेके चलूं, तब कामयाबी मिलती है। इनको जीवन में जो मुश्किलें रहती हैं, लव मैरिज या इनके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई ना कोई एक एरिया में प्रॉब्लम रहती है। अगर पैसा बहुत है, नाम बहुत है, तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं, या पर्सनल लाइफ भी ठीक है, पैसा नाम शोहरत भी बहुत है, तो सेहत में प्रॉब्लम है। कोई ना कोई जीवन का एक एरिया प्रॉब्लम रहती है। मेरा सजेशन इनके लिए बस ये है कि संडे रविवार को तो ये बिल्कुल भी नॉनवेज ना खाएं, और अगर ड्रिंक करते हैं आदतें हैं तो बंद कर दें, अवॉइड करें, क्योंकि इनको ये अपना सूर्य फिर उनका वीक हो जाता है, प्रबल करना पड़ेगा। यकीन मानिए ये ड्रिंकिंग के या नॉनवेज के शौकीन भी होते हैं। क्या होगा, जैसे जैसे ये नॉनवेज और ड्रिंकिंग की हैबिट्स छोड़ देंगे, वैसे वैसे इनकी लाइफ में जो कमी है उसमें, उस चीज में उनको समाधान मिलने लगता है। ईश्वर कहता है कुंडली में अगर मैंने परेशानी दी है तो उसका समाधान भी दिया है, बस देखना आना चाहिए, मेहनत तो आप खुद करेंगे। मूलांक एक और भाग्यांक एक में एक अजीब सी पॉजिटिव ऑरा होती है, व्यक्ति इनकी तरफ खिंचा चला जाता है, एक तेज होता है, लक का एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है। ये जिनके भी ये मूलांक और भाग्यांक सेम होते हैं, फिर परेशानी भी थोड़ी होती है लाइफ में, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा धक्का लगता है इन्हें जीवन में, जो इनको आगे पुश करता है कि मैं तो कुछ करके रहूंगा, ऐसा करके रहूंगा कि लोग मेरा नाम जाने। और बहुत अगर आसानी से मिल गई तो अंतर मन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वो जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते। ओवरऑल बहुत ही लकी कॉम्बिनेशन है, पर हाँ मेहनत तो करनी है। सिर्फ कॉम्बिनेशन मिल गया और चेष्टा नहीं करी तो कामयाबी मिली, ये मैंने आज तक नहीं सुना। ये था न्यू सीरीज में जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मूलांक और भाग्यांक एक हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और बोनस टिप जाते जाते, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एक है ना, तो जितना आप अपने दोस्तों के साथ मीठा शेयर करेंगे उतनी आपके जीवन में मिठास बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ये तो प्रोफेशनल हैक हो गई, कहूंगी इंसाइट्स हैं और एक्सपीरियंस है। शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक शेयर करें अगर आप भी हैं मूलांक और भाग्यांक एक, या आपके दोस्तों में या परिवार में है कोई। अगले हफ्ते आपके साथ शेयर कर रही हूं मूलांक दो और भाग्यांक दो कैसे होते हैं। पर अगर आप इस इनविंसिबल परिवार से जुड़े हैं तो जल्दी से हैं मेरे इस दूसरे चैनल जुनून के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि उसमें हर हफ्ते आपके साथ शेयर कर रही हूं न्यू एपिसोड्स, और बहुत जल्द ही अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी न्यू एपिसोड शेयर करूंगी। सब नोटिफाइड होगा अगर आप सब्सक्राइब किया है आपने। चलिए शेयर जरूर करिए और मिलती हूं आपसे। टेक केयर।